हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे और घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो मैं आज आपको बाल भौतिक बुक का जो आपका लेसन 10 है वो पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको लेसन 9 पढ़ा चुकी हूँ और उनके वर्ड्स के मीन बता चुकी हूँ और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। आप जो भी आपके ऊपर वर्ड्स के मीन दिए गए हैं प्लीज़ उनको याद कर लें, फिर उसके बाद आपको नीचे के सेंटेंस बनाने ज़रूर आएंगे। तो यही था आज आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए आपको ये शुरू करते हैं हम अपना। सीट आसन कुछ कपड़े वगैरह में होता है आसन, ठीक है। हैंग लटकाना, हैंग आपने वो देखा होगा ना, वॉल हैंगिंग तो दीवार पर लटकाने वाली होती है, तो वही वाला है, बिल्कुल वही वाला लटकाना है। ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स में, वॉल मीन्स दीवार, देखो बन गया ना वॉल हैंगिंग, दीवार लटकाना, लटकाने वाले जो भी चीज़ हो जाती है उस चीज़ को बोल देते हैं। ट्री मीन्स पेड़, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिसाइड मीन्स निकट या फिर समीप, अंडर यानी नीचे, अबव मीन्स ऊपर, नियर मीन्स नज़दीक या फिर हम पास कह सकते हैं, सीलिंग यानी छत या टेरिस भी बोल सकते हैं आप, इन फ्रंट ऑफ के सामने, जो भी इंसान होगा उसके सामने, ठीक है। या आप वॉली दीवार, ये तो आप मैट मीन्स पढ़ाई, आपने पीछे भी पढ़ाई इस चीज़ को, आई थिंक आपको जो लेसन फर्स्ट था उसमें आपने मैट पढ़ा था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। द बॉल इज़ ऑन द मैट, बॉल कहाँ पर है, चटाई पर है, बॉल इज़ ऑन द मैट, गेंद चटाई पर है। द मैन इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉल, आदमी दीवार के सामने है, इन फ्रंट जो भी चीज़ होगी वो लगा लेंगे हम। द बॉय इज़ बिसाइड द बेंच, जो लड़का है वो बेंच के समीप है, या बोल सकते हैं हम आप इसका दूसरा मीन निकट है, ठीक है। द ट्री इज़ बिहाइंड द बेंच, पेड़ बेंच के पीछे है। द डॉग इज़ नियर द कैट, कुत्ता बिल्ली के नज़दीक है या हम बोल सकते हैं उसके पास है। द मंकी इज़ अंडर द सीट, पैसे आसन के नीचे है, ये वाला आसन नहीं कपड़ों वाला आसन, हम सीट बोल देते और सीट बेंच बोल सकते हैं, सीट लिखा ना सीट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।